बहुत इंपॉर्टेंट करेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, कुछ चर्चित स्थल हैं उनसे अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। कहीं आवाज नहीं आएगी तो आप मुझे बताएंगे, है ना, कहीं पर भी आवाज गायब हुई तो मुझे बताएंगे आप। चलिए अपन स्टार्ट कुछ महत्वपूर्ण स्थलों से, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण स्थल जो अभी टॉपिक हॉट टॉपिक पे रहे हैं, है ना, हॉट स्पॉट रहे हैं जो, है ना, जो चर्चा चर्चा के रडार में रहे हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे से सब, है ना, ये आपके अंतागढ़। तो सेसापंडुम जो है ना, ये एक प्रकार का यात्रा पर्व है ना, ये हर 7 साल में आयोजित होता है ना। आपको पूछ सकता है कि सेसापंडुम क्या है, तो एक तरह के सूर्य देव को समर्पित क्या है, एक पूजा है, जिसमें क्या करते हैं वहां के जो जनजाति जो लोग हैं, वहां चावल की जो फसल पहली बार कटती है ना, खेतों में जो भी फसल उगती है, तो सबसे पहले जाके यहाँ पर समर्पित करते हैं सूर्य देव को, है ना। और फिर वही जो अनाज होता है वो लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है, जिसका उपयोग वो नेक्स्ट ईयर अनाज के लिए करते हैं, है ना। तो ये इसका आयोजन जो होता है वो टेमरू पानी नामक एक गाँव है, कहाँ, अंतागढ़ जिले में, कांकेर में, कहाँ, टेमरू पानी, है ना। तो टेमरू पानी ये स्थित है कांकेर में, है ना, और ये अंतागढ़ में आता है, आपको जिला कांकेर है, अंतागढ़ तहसील है ना, वहां ये आता है आपका टेमरू पानी, जहां पर सेसा पंडुम नाम का एक कार्यक्रम होता है ना, जो एक सूर्य देव के लिए यात्रा है ना। तो आपको बस यही जानना है कि ये एक यात्रा है, सूर्य देव को समर्पित है, ये सेसापंडुम किस देवता संबंधित है, तो सूर्य देवता संबंधित है। इसके पीछे के जो चीजें हैं वो ये हैं कि ये सूर्य देव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर जनजाति लोग जाते हैं, पहली उगी हुई फसल सूर्य देव को समर्पित करते हैं, और बाकी वही सभी लोगों में बांट दी जाती है अनाज के रूप में, जो अगली वर्ष फसल के रूप में काम आती है। ठीक, फिर दूसरा है चेटापुरी धाम, बेमतरा की पूरी धाम, जिला बेमेतरा। तो चेटापुरी जो धाम है ना, बेमेतरा जिले में, ये सतनाम धर्म, सतनाम जो पंथ है ना, उससे संबंधित यह स्थल है। तो आपको पूछ सकता है कि चेटापुरी धाम किस धर्म, किस पंथ या किस समाज से संबंधित है, तो सतनाम पंथ ये सतनाम समाज से संबंधित है चेटापुरी धाम। अभी क्यों फेमस क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो गुरु घासीदास जी के जो पुत्र थे अमरदास, है ना, गुरु घासीदास जी के जो पुत्र थे अमरदास, उनकी यहाँ समाधि है चेटापुरी धाम, है ना, जहाँ, और यहाँ पर जो आपकी पौष पूर्णिमा है, यानी छेरछेरा के अवसर पर, छेरछेरा जब होता है पौष पूर्णिमा में, तब यहाँ पर मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला लगता है यहाँ पर। तो चेटापुरी धाम आप ध्यान रखिएगा, जिला बेमेतरा में स्थित है, सतनामपन संबंधित है, गुरु घासीदास बाबा के जो पुत्र हैं अमरदास जी, उनकी समाधि है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन स्थल पर चलते हैं, दूसरा जो स्थल है वो है हसदेव नदी के किनारे आपके मैरिन फॉसिल्स पार्क की स्थापना के लिए है। देखिए हसदेव नदी जो है वो मनेन्द्रगढ़, अब तो मनेन्द्रगढ़ खैर जिला बन गया है ना, पहले ये कोरिया में आता था, तो मनेन्द्रगढ़ में हमें समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य मिले। अब समुद्री जीवाश्म है क्या जी, देखिए क्या होता है कि बहुत समय से अगर कोई जीव जंतु है ना, वो किसी कह सकते हैं तलछटी मिट्टी में दब गया है ना, तो या गाद भरी मिट्टी में दब गया, तो धीरे से क्या होता है कि उस पर अत्यधिक बल बनने के कारण वो क्या बन जाता है, एक फॉसिल बन जाता है ना। तो वहां पर क्या है, समुद्री फॉसिल्स के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ,
आपके हसदेव नदी के तट पर है, मनेंद्रगढ़ में। और देखिए मरीन फॉसिल्स पार्क जो है हमारे देश में केवल 4 जगह है, एक खेमगांव है सिक्किम में, दूसरा है राजहरा झारखंड में, तीसरा है सुम्बासरी अरुणाचल में, और चौथा है दार्जिलिंग में। ठीक, तो 4 जगहों पूर्वी भारत में, सभी जगह कहाँ है, पूर्वी भारत में स्थित है। तो पूर्वी भारत में खेमगांव जो सिक्किम में स्थित है, राजहरा झारखंड में स्थित है, सुबासरी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर समुद्री फॉसिल्स के पार्क समुद्री फॉसिल्स के साक्ष्य मिले हैं। इनको क्या घोषित किया गया, समुद्री फॉसिल्स पार्क घोषित किया गया है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में मिलना ये एक नई बात है, क्योंकि आप देखेंगे समुद्र से दूरी छत्तीसगढ़ की बहुत अत्यधिक है। लेकिन अभी नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं उससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो आपका सी भूम है, क्षेत्र है जो झारखंड में, वहां पर सबसे पहले तटीय सागर तट का निर्माण हुआ था, वहीं पर सबसे पहले जब भूमि जो थी उद्गारित हुई थी, है ना, जब भूमि पूरी पानी में डूबी हुई थी, तो सबसे पहले सी भूमि क्षेत्र में क्या हुआ था, भूमि उद्गारित हुई थी। ठीक, तो क्या होता है, अब नदियां लगातार बहती रहती हैं, तो वहां पर मिट्टी को कटाव करती जाती है। मिट्टी के कटने के कारण जो पृथ्वी के अंदर की जो चीजें हैं वो समय समय पर बाहर आती रहती हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि बहुत पुराने फॉसिल्स जो थे, फॉसिल्स का अर्थ आप लोग समझते हैं कि नहीं, फॉसिल्स का अर्थ होता है क्या, अवशेष। ठीक, क्या होते हैं, अवशेष हैं, है ना, उसके जो अश्म है ना, यानी अगर कोई जीव मर गया है ना, तो उसके जो क्या बोल सकते हैं, एक तरह का छाप जो है ना, वो उस पर रह जाती है। अगर कोई तितली खत्म हो गई तो तितली के कुछ आपको इस तरह क्या मिलेंगे, ये इस तरह की तितली के क्या मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे, है ना। तो उस तरह की आकृति हमको देखने को मिलती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि क्या ये फॉसिल्स हैं, है ना। तो ऐसे फॉसिल्स के साक्ष्य मिले हैं हमें हसदेव नदी के तट से, कहाँ, मनेंद्रगढ़ जिले में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हो रहा है ना। इससे पहले 4 फॉसिल्स और मिल चुके हैं हमको, खेमगांव, राजहरा, है ना, आपके सुबासरी अरुणाचल में, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम किन्हा पहाड़ की ओर। किन्हा पहाड़ है आपका रायगढ़ में। तो रायगढ़ में जो किन्हा पहाड़ है, रामायण कालीन स्थल है यह, है ना। इसको माना जाता है कि भाई ये किष्किंधा से इसकी साम्यता रखी जाती है, जो किष्किंधा जहां पर कौन रहता थे, सुग्रीव और बाली। ठीक, तो किष्किंधा का साम्राज्य जो था, वानरों का साम्राज्य था, यहाँ पर कौन थे, सुग्रीव और बाली का साम्राज्य था। तो इस किन्हा पहाड़ की साम्यता की जाती है, किष्किंधा जो रामायण कालीन स्थल है उससे की जाती है कि भाई यही किष्किंधा रहा है और राम भगवान यहाँ से क्या आगे चले थे, यहाँ पर आए थे। ठीक, फिर आगे चलते हैं अपन। और ये रायगढ़, तो दूसरी मैं एक जगह की बात करता हूँ। एक तो हो गया आपका किन्हा पहाड़, है ना, ये है आपका रामायण कालीन स्थल। दूसरा, यहाँ राबकोब नामक एक गुफा मिली है, कहाँ से आप कीजिए, रायगढ़ से ही, है ना। यहाँ यह प्रागैतिहासिक काल की एक गुफा मिली है, कहाँ, राबकोब गुफा, कहाँ है जी, रायगढ़ में। तो आपको पूछ सकता है कि भाई राबकोब गुफा कहाँ स्थित है, राब कोब गुफा कहाँ स्थित है आपकी, रायगढ़ में है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, आवाज आ रही है, क्लियर है। ठीक है, आ रही हूँ। तो राबकोब गुफा जो है ना, वो कहाँ स्थित है आपकी, रायगढ़ में स्थित है। तो किन्हा पहाड़, रापको गुफा, ये दोनों रायगढ़ के कुछ स्थल है जो अभी हाईलाइट में रहे हैं। ठीक, कोरवा की में महादेव हिल्स रेंज है ना, जिसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, मॉरिशस कहा जाता है। ठीक, तो महादेव हिल्स रेंज कहाँ स्थित है, आपके कोरबा में स्थित है कि महादेव हिल्स रेंज कहाँ आपके कहाँ है, तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक, ऐसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहा जाता है। ठीक जी, फिर नेक्स्ट जयपुर में तमोड़ा, तमोरा पहाड़, जहां राजा बालम के, जो राजा बालम थे है ना,
उनके भी बालम राजा कौन है, तो ये कोल राजा थे है ना, कोल वंशी राजा थे है ना, कोल राजा थे कौन आपके, राजा बालम। तो इनके जो किला अवशेष है, उनके जो किले हैं उनके अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तमोरा पहाड़ से। 11वीं सदी का यह आपका किला था है ना, 11वीं सदी के अवशेष हमको प्राप्त हुए। तो तमोरा पहाड़ कहाँ है जी, सूरजपुर में है, जहाँ राजा बालम जो कोलवंशी राजा हैं उनके हमको किला प्राप्त हुए। इन्हीं राजा बालम जो है इन्हीं के नाम पर बालम घाट एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1000 फीट है, कहाँ है जी, सोनहट में स्थित है यह है ना। ये भी कोल राजा बालेन देव या बालम देव है ना उनके नाम पर है। तो कोल राजा बालेन देव बालेन जो है उनके नाम पर बालम घाट पहाड़ी पड़ी और ये स्थित है आपके सोनहट में। ठीक, तो बालम घाट पहाड़ी कहाँ है जी आपकी, महेंद्रगढ़ में है। महादेव हिल्स कहाँ है जी, कोरबा में है। ठीक, महादेव हिल्स कहाँ है, कोरबा में। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं अपन, बिलासपुर में। तो बिलासपुर में हमको अरपा नदी के किनारे कुछ पाषाण कालीन पत्थर औजार के औजार हमको प्राप्त हुए हैं। कुछ बहुत समय से वहां पर रिसर्च चल रही है, एक भूवैज्ञानी है जो सुबह टहलने जाते थे और वहां पर कुछ पत्थर कलेक्ट करते थे, और ये पत्थर जो हैं क्या है, ये ऐसे मानव निर्मित ही हैं है ना, प्रकृति से निर्मित पर्वत अलग, जो पत्थर होते हैं वो अलग दिखते हैं, जबकि आदि मानवों के जो पत्थर होते हैं वो नुकीले होते हैं, उनका एक निश्चित आकृति और निश्चित पत्थरों से ही वो निर्मित होते थे। तो आदि मानव के द्वारा निर्मित कुछ पाषाण कालीन औजार के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, अरपा नदी। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पाषाण कालीन औजार के साक्ष्य किस नदी के किनारे से मिले हैं, तो अरपा नदी किनारे से मिले हैं। समुद्री फॉसिल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हसदेव नदी कहाँ किनारे से मिले हैं, मनेन्द्रगढ़ में। ठीक, बालम घाट पहाड़ी कहाँ है जी, तो मनेन्द्रगढ़ जिले में है वर्तमान में। ठीक, तमोरा पहाड़ कहाँ है जी, तो सूरजपुर में, यहाँ पर कोलवंशी राजा बालम की क्या है किला के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, महादेव हिल्स कहाँ है, कोरबा में है, इसको छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहते हैं। रापकोप गुफा कहाँ है जी, जो प्रागैतिहासिक काल की यहाँ साक्ष्य मिले हैं आपकी, है रायगढ़ में। किंधा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक, तो किंधा पहाड़ को आगे मैं और भी बताऊंगा, जो भाई जो अभी राम वनगमन मार्ग है, जहाँ पर 52 जो स्थल है जिनको क्या किया गया है, चिन्हित किया गया, उनमें से एक है यह है ना। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, गौरैया तीर्थ पर। गौरैया जो तीर्थ है ये बालोद में स्थित है। अब ये क्या है गौरैया तीर्थ, गौरैया तीर्थ यहाँ पर क्या है कि हमें वहां से क्या मिली है, पुराने मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। वहां पर क्या स्थित है, एक गौरैया की मूर्ति, खंडित मूर्ति स्थित है। ठीक, यहाँ चौरेल ग्राम है यह, गुंडरदेही में है ना। तो गुंडरदेही तहसील के अंतर्गत चौरेल ग्राम है, जहाँ पर गौरैया तीर्थ है, यहाँ पर मेला भी लगता है। ठीक, तांदुला नदी के किनारे है यह गौरैया तीर्थ। ठीक, तो अब याद रखेंगे कि गौरैया तीर्थ कहाँ है, तो आपके बालोद जिले में है गौरैया तीर्थ है ना, गुंडरदेही तहसील के अंतर्गत आता है ना। और यहाँ यह कौन सी नदी के तट पर है, तांदुला नदी के तट पर है। श्री गौरैया सिद्ध शक्ति पीठ यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 3 दिवसीय मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक, और ये किससे संबंधित है, राजा अभी इसके पीछे कहानी है कि यहाँ पर एक क्या था है राजा जो है ना, क्या नाम था उनका, राजा चौरस है ना। तो राजा चौरस का साम्राज्य था यहाँ पर, और यहीं पर उन्होंने बहुत सारी क्या बनाया बनाए थे, मंदिर का निर्माण किया था, जिसमें से वहां पर एक गौरैया चिड़िया की प्रतिमा अंकित थी है ना। तो इसी के तारतम्य में वहां पर गौरैया तीर्थ रखा गया, और गौरैया वहां पर मेला लगता है ना प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर आते हैं अपन महासमुंद, खल्लारी माता का मंदिर जो है उन उसमें 2 चरण में विकास होने हैं। प्रथम चरण में 9 स्थलों को चिन्हित किया गया, जिनमें से आपका ये खल्लारी का जो मंदिर है ना, सॉरी मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, नहीं सॉरी करेक्ट करते हैं, खल्लारी माता मंदिर अलग है और कौशल्या मंदिर अलग है ना। खल्लारी माता मंदिर अलग है
है ना। तो महासमुंद में खलारी माता मंदिर, आपका है ना, कौशल्या माता का मंदिर, ठीक। तो खलारी माता का मंदिर जो है वो भीम खोज पहाड़ी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में यह दूसरा रोपवे है। पहला रोपवे जो था आपका डोंगरगढ़ में स्थित है। रोपवे किसको बोलते हैं पता है? लंबी तार होती है, उस पर क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे आपके क्या बोल सकते हैं, बोगियां रहती हैं, जिनमें लोग बैठ के नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ट्रैवल करते हैं, ठीक। अधिकतर यहाँ इस पे दुर्घटना की संभावना रहती है, बहुत सारे हमको यहाँ पर दुर्घटनाएं सुनने को मिली है ना। तो पहला रोपवे जो है छत्तीसगढ़ का वो है आपका डोंगरगढ़ में, है ना। और दूसरा रोपवे जो है यहाँ खल्लारी माता मंदिर जो भीम खोज पहाड़ी पर स्थित है वहां है। तो खल्लारी माता मंदिर कहाँ है? महासमुंद में है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं गरियाबंद की ओर। गरियाबंद स्थलों की बात करेंगे, सबसे पहले राजिम। राजिम में यहाँ पर माघी पूर्णिम। दूसरे स्थल की बात करेंगे, प्राचीन स्थल है पांडुका। तो पांडुका जो है प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले यहाँ पर, पैरी नदी के तट पर स्थित है यह पांडुका। तो पूछ सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ में प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य किस जिले से मिले? तो गरियाबंद से मिले हैं, स्थल का नाम है पांडुका। और नदी कौन सी बहती है यहाँ पर गरियाबंद में? पैरी नदी, ठीक। तीसरा जो स्थल है गरियाबंद में वो है मरौदा, है ना। यहाँ पर भूतेश्वर नाथ का मंदिर है, शिव की विशाल प्रतिमा है यहाँ पर, ठीक। शिव जी की क्या है? विशाल प्रतिमा है। और कहा जाता है कि भाई यहाँ पर क्या जो आपके जो शिव जी हैं है ना, वो लगातार बढ़ रहे हैं, है ना, इस भूतेश्वर नाथ, यानी ये इसकी ऊंचाई हर साल 6 से 8 इंच क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। तो इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। आपको पूछेगा कि भाई भूतेश्वर नाथ कहाँ है, तो गरियाबंद में। तो ध्यान रखिएगा गरियाबंद में तीन चीजें, राजिम, पांडुका और भूतेश्वर नाथ, ठीक। फिर हम आते हैं रायपुर की ओर। रायपुर में सबसे पहले कि जो राज्य पुलिस जो अकादमी थी, है ना, पुलिस अकादमी जो राज्य पुलिस अकादमी थी, उसका नाम अब परिवर्तित करके नेता सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कर दिया गया है ना। और इसके अलावा रायपुर के आरंग में पांडुवंशी कालीन हमको मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो कुछ स्थल हैं जैसे झलमला, अंधियार खोप, सामिया माता मंदिर और भांडल देव मंदिर, ठीक। तो अंधियार खोर जो तालाब है वहां से जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है आरंग में। झलमला तालाब से चामुंडा देवी, उमा महेश्वर, भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। भांडल देव मंदिर से महिषासुर मर्दनी और शिव पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है। आमिया माता मंदिर है ना, यहाँ से संस्कृत भाषा व पूर्वी नगरी कुटिल लिपि में यानी लिच्छवी लिपि में उत्कीर्ण खंडित एक शिलालेख मिला है ना। तो आपको पूछ सकते हैं कि भाई पांडुवंशी कालीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो वर्तमान में आरंग से मिली है, 6वीं से 7वीं शताब्दी की ये मूर्तियां हैं। और ये कौन कौन से स्थल है जहां पर ये उत्खनन हुआ? झलमला, अंधियार खो तालाब जो है वहाँ, सामिया माता मंदिर है ना, आमिया या सामिया अलग अलग जगह अलग अलग सुनने को मिलता है, तो सामिया माता मंदिर, ठीक। फिर है भांडल देव मंदिर है ना, और एक है आपका झलमला तालाब। यहाँ से हमको क्या मिली? खंडित मूर्तियां मिली हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं रायपुर में ही। तो रायपुर में एक केसरे हिंद दरवाजा है, ठीक। रायपुर में क्या है? केसरे हिंद दरवाजा है। ये जो है ये रवि भवन का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब इसके बारे में इतिहास यह है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जब 1877 में 1877 में भारत आई थी, तो रायपुर आई थी और उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक। तो इस उपलक्ष में इस स्वागत द्वार का नाम क्या रखा गया था? केसरे हिंद दरवाजा, ठीक। तो केसरे हिंद दरवाजा कहाँ है? रायपुर में है। इसका इतिहास यही है कि विक्टोरिया जब 1877 में रायपुर आई थी तो यहीं पर इसका निर्माण किया गया था, और क्या इसका नाम? केसरे हिंद रखा गया।
फिर आगे बढ़ते हैं। फिर महाकौशल कथा विधि का संग्रहालय है ना, एक संग्रहालय है रायपुर जिले में, ठीक। इसको बनवाया था महंत घासीदास, देखिए इसको उससे कनेक्ट मत कीजिएगा, सतनाम पंथ के गुरु गुरु घासीदास से। ये एक राजा थे महंत घासीदास, राजनांदगांव रियासत के ये राजा थे। इन्होंने 1875 में एक क्या संग्रहालय का निर्माण कराया था। ये संग्रहालय किस टाइप का था? चित्रकला, मूर्तिकला, छाप कला, इन संबंधित इससे संबंधित जो दुर्लभ रचनाएं थी उसको यहाँ संग्रहित किया जाता था। तो महाकौशल कथा विधि का संग्रहालय, महाकौशल कथा विधि का संग्रहालय है ना, इन महाकौशल की कथा बताने वाली, उसकी दशा बताने वाली संग्रहालय कहाँ है? महंत आपके रायपुर में स्थित है, जिसको बनवाया था महंत घासीदास ने, जो राजनांदगांव रियासत के राजा थे। यहाँ पर तिरछे जो तीर भाले भरछी, ठीक, ये सब यहाँ पर स्थित है, ठीक। फिर रविशंकर शुक्ल जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक रॉक ओपन म्यूजियम खोला गया है, ठीक। तो आपको छत्तीसगढ़ का पहला रॉक ओपन म्यूजियम कहाँ है? तो ये रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में है। ये क्या है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते हैं है ना, उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कहाँ? आपके रॉक ओपन म्यूजियम में, ठीक है। भूलेंगे नहीं रायपुर के बारे में। तो रायपुर में आरंग फेमस रहा, सुभाष चंद्र पुलिस अकादमी वो हो गया, वो फेमस रहा, किसरे हिंद दरवाजा रहा, महाकौशल कथा विधि का संग्रहालय फेमस रहा, रविशंकर शुक्ल में वर्तमान में एक रॉक ओपन गार्डन खुला है, वो फेमस रहा। आगे बढ़ते हैं कांकेर की ओर। कांकेर में हमने पढ़ा भी सिसा पंडुम के बारे में, जो अंतागढ़ तहसील में है, कांकेर जिले में। आगे बढ़ते हैं कोंडा गांव की ओर। तो कोंडा गांव में हमको तीन स्थल देखने को मिलते हैं जो हाईलाइट में रहे। सबसे पहले है सुरडोंगर। यहाँ पर एक खान, डॉक्टर खान थे, जिन्होंने उस समय कब आपके 1980 में जब स्पेनिश फ्लू आया था। अब चूंकि बात भी स्पेनिश फ्लू की बहुत चली अभी, कि भाई हर दो क्या बोलते हैं 100 वर्ष में क्या आता है, एक महामारी आती है। तो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, तो 2019 में क्या आया? कोविड आया है ना। तो कोविड-19 2019 में आया, स्पेनिश फ्लू कब आया? 1918 में। तो प्रति 100 वर्ष में एक महामारी आती है। तो ठीक ऐसे ही महामारी आई थी 1918 में, स्पेनिश फ्लू नाम की। तो स्पेनिश फ्लू जिसको यहाँ बोलते थे मलमली बीमारी, के नाम था मलमली, ठीक। तो यहाँ पर एक डॉक्टर खान थे जो आप के महाराष्ट्र से आए थे है ना। तो वो यहाँ क्या, इन्हों यहाँ के आदिवासियों का उन्होंने मुफ्त में इलाज करवाया, और यहाँ के आदिवासी और वो यहीं रह गए, यहीं पर उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया यहाँ आने के बाद। और जो जनजाति के लोग थे वो बहुत उनको मानते थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई, काले पत्थर की एक प्रतिमा स्थापित की गई, जिसको बोला गया खान डोकरा, ठीक। तो खान डोकरा सूर डोंगर में स्थित है आपके कोंडा गांव जिले में, ठीक। तो ये उसी से संबंधित है कि डॉक्टर खान से संबंधित है। तो खान डोकरा का की प्रतिमा कहाँ है? सूर डोंगर कोंडा गांव में। फिर हम नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं टाटामारी। टाटामारी जो है वो केशकाल में स्थित है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला कांच का एक पुल तैयार किया जा रहा है, ठीक। तो आपने देखा होगा एक एक पहाड़ी होती है जिस पर नीचे में खाई होती है, और यहाँ पर एक क्या बना दिया जाता है, एक पुल सा बना दिया जाता है जो ग्लास फ्रेम से क्या रहता है, ढका रहता है ना। और आप उस पर चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम गिर रहे हैं ना। तो ये कांच का जो पुल है ये टाटा मारी केस काल में स्थापित किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला कांच का पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो टाटा मारी केस काल में, ठीक। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं खाल बेदी पहाड़ी की। यहाँ पर मानवाकृत शैल चित्र हमको प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? कोंडा गांव से। तो खाल बेदी पहाड़ी आपकी कहाँ स्थित है? आपकी कोंडा गांव में स्थित है, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बस्तर की। बस्तर में बकवाकंड है, तो बकवांड है ना। यहाँ पर रामपाल शिव मंदिर है ना, इसे बस्तर का रामेश्वरम कहा जाता है,
किसको जी? बकवान। ठीक, राम पास शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बकवंड, बकावंड है ना, बकावंड बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा बकावंड। तो बकावंड जो है बस्तर में स्थित है ना, और यहाँ पर है रामपाल शिव मंदिर। ठीक, इसे बस्तर का नाम है, शिव कहा जाता है। मान्यता यह है कि विष्णु जो राम भगवान थे, यहाँ पर से निकलने से पहले उन्होंने किसकी पूजा की थी? शिव भगवान की पूजा की थी। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख स्थल है। इसके अलावा कुछ और स्थल है जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे एक निजी विश्वविद्यालय है, भारतीय विश्वविद्यालय, ये खुला है आपका कहाँ? दुर्ग में। ठीक, तो भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय ये एक प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो चंद्रखुरी, कहाँ ये पूछ सकता है? कहाँ है जी? चंद्रखुरी में स्थित है ना, दुर्ग में स्थित है। ठीक, इसको जो संचालन है वो भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के द्वारा किया गया है। अब इस नए विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या 8-8 के रेशियो में आ जाएगी, यानी 8 सॉरी 4-4 के रेशियो में आ जाएगी, यानी कुल 8 विश्वविद्यालय हो जाएंगे, जिसमें से 4 राजकीय और 4 निजी विश्वविद्यालय है। ठीक, आगे बात करते हैं जगदलपुर फूड पार्क की। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क स्थापित किया गया रहा है, जा रहा है आपके जगदलपुर में, है ना। तो यहाँ पर जो जगदलपुर है, जगदलपुर यहाँ पर देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क, देश का सेकंड है ना फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तो देश का दूसरा जो फूड पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है सेमरा ग्राम जगदलपुर में, है ना। कहाँ? सेमरा ग्राम। तो सेमरा ग्राम जगदलपुर में स्थापित किया जा रहा है, ट्राइफेड की मदद से इसको स्थापित किया जा रहा है ना। करीब 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। फिर बात करते हैं बेमता सरोरा की। ठीक, रायपुर जिले के तिल्ला विकासखंड में बेमता सरोरा में एक निजी क्षेत्र के द्वारा क्या स्थापित किया जा रहा है? मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है ना। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल उपस्थित थे इसके उद्घाटन समारोह में। तो रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड में, है ना, रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड में, तिल्दा, ठीक, तिल्दा में बेमता सरोरा, बेमता सरोरा में इंडस मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक, फिर बस्तर में, बस्तर में तीन जगहों पर है ना, तीन जगहों पर क्या स्थापित किया गया है? जैव विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है बस्तर में तीन जगहों पर। कहाँ कहाँ? कुंडाकोट, कुंडाकोट, आसना, आसना और छापर भानपुरी, इन तीन जगहों पर जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है बस्तर में। ठीक, फिर कोटेश्वर धाम जो है धमतरी में स्थित है, यहाँ कोटेश्वर धाम, कोटेश्वर धाम। ठीक, ये औषधि पौधा प्रसंस्करण केंद्र की घोषणा की गई है ना। ये नगरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है धमतरी में, है ना। यहाँ पर औषधीय क्या पौधा प्रसंस्करण केंद्र, क्या औषधीय पौधा प्रसंस्करण केंद्र, औषधीय पौधा प्रसंस्करण केंद्र, ठीक, की स्थापना की जा रही। कहाँ जी? धमतरी में। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल संयंत्र, ठीक, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कबीरधाम जिले में।
आवाज आ रहा है आप लोग को? यहाँ पर आपको वॉइस क्लियर नहीं प्रथम, आ रहा है, कट कट के। अच्छा रिकनेक्ट का ट्राई करते हैं ना।